मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कलश में भरे मिट्टी। बताते चले कि 30 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानी एवं वीर का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगातार अभियान चला रहे हैं और घर घर जाकर कलश में मिट्टी ले रहे हैं। वहीं शुक्रवार को बायसी प्रखंड में भी कई जगह इस अभियान की शुरुआत हुई। बायसी पूरब के मंडल अध्यक्ष की मौजूदगी में इस अभियान की शुरुआत प्रखंड के गांगर पंचायत से की गई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कलश में मिट्टी भरने का कार्य किया। वहीं इसको लेकर बायसी पूरब के मंडल अध्यक्ष नीरज कुमार यादव ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांगर पंचायत के घर घर जाकर कलश में मिट्टी भरने का काम किया है। जबकि बायसी पूरब के महामंत्री विक्रम कुमार बोसाक ने कहा कि प्रखंड में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांगर पंचायत से इसकी शुरुआत की है। वहीं आगे उन्होंने बताया कि देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में वीर सेनानियों की याद में एक स्मारक का निर्माण होगा, जिसे शिला फलकम नाम दिया गया है। इस पर उस क्षेत्र के सभी सेनानियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर से लगभग 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। इन 7,500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। इस अभियान में बायसी पूरब के मंडल अध्यक्ष नीरज कुमार यादव, महामंत्री विक्रम कुमार बोसाग, पूर्व विधानसभा संयोजक आईटीसीएल बायसी राजीव कुमार, मंडल कोषा अध्यक्ष मुकेश कुमार, श्रवण कुमार यादव, वीरू कुमार, ओम प्रकाश, नुकुल यादव, महेंद्र चौधरी के साथ साथ कई सारे और भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। एक प्रोग्राम देश भर में चली जा रही है, मेरी माटी मेरा देश, जिसके तहत आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ होता है और फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग घर घर मतलब मिट्टी मेरा माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश का जो प्रोग्राम है, हम लोग लगभग 40 कार्यकर्ता हम लोग घर घर जाके मिट्टी ले रहे हैं। घर जाकर वीर सपूतों के लिए हम लोग ये मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं श्रद्धांजलि के लिए। आज किस जगह आकर पहुँचे हैं? हम लोग अमीरगंज कुर्बान चौक में हैं, गांगर पंचायत पूरम मंडल बायसी। कितने घर से अब तक मिट्टी ली जा चुकी है? लगभग हम लोग 100 से 150 घर तक चल गए हैं। इसके तहत और भी जगह पे आपको जाना है? हाँ, और भी जगह जानी है। अभी तमाम कार्यकर्ता आपके साथ हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव, बायसी पूरम मंडल अध्यक्ष। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज एक प्रोग्राम चलाई जा रही है जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे देश भर में यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के तहत हम सभी बायसी पूरब मंडल के कार्यकर्ता घर घर जाकर मिट्टी ले रहे हैं और यह मिट्टी जो है वीर सपूतों के लिए, हमारे भारत देश के वीर सपूतों के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके लिए यह माटी हम इकट्ठा करके अपने ब्लॉक में जमा करेंगे। माता की जय। अब तक कितने लोगों से मिट्टी, कितने घर से मिट्टी ली गई? हम गांगर पंचायत के 6 बूथों से अभी तक हमने मिट्टी जो है कलेक्ट कर लिया है, कम से कम 150-200 घरों से कलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इनके अलावा भी और जगह पे जाएंगे? जी, हम पूरब मंडल के सभी मतलब पूरब मंडल के सभी घरों में जाके जो है मिट्टी कलेक्शन करेंगे। अच्छा, जो भी इसका दिशा निर्देश दिया कि क्या इसका कोई समय सीमा निश्चित है? जी, इसकी समय सीमा निश्चित है, उस समय सीमा के अंदर में ही जो है हम लोग को पूरा कार्य समाप्त करना है। अच्छा, जब आप घर में मिट्टी लाने के लिए तो घर वालों की तरफ से कितना सहयोग मिलता है आपको? एकदम पूरा, सभी घर वालों के एकदम पूरा उत्साह से जो है मिट्टी हम लोग को दे रहे हैं, पूरी खुशी, एकदम पूरा खुशी का माहौल है पूरे देश में, पूरे हमारे गांगर पंचायत में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार बसाक, बायसी पूरब मंडल महामंत्री। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत आज जो जिस जगह पे पहुंचे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है जो तमाम कार्यकर्ता आप घर घर जाकर के मिट्टी ले रहे हैं? हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह प्रोग्राम के भाग लिया और इसमें मेरी माटी मेरा देश के उद्देश्य के अनुसार हमने हर घर जाकर माटी लिया और सभी
देशवासियों का खुशी का माहौल है। इस संबंध में हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता मिलकर बहुत अच्छे तरीके से हर घर माटी लेकर वीर श्रद्धांजलि, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अपना परिचय दीजिए। पूर्व विधानसभा संयोजक आईटी सेल भाजपा। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।